नेपाल में पानी निकालने का काम होगा आज से शुरू, छोटे विस्फोट कर निकाला जाएगा पानी। लैंडस्लाइड के बाद जमा पानी 3 इंच प्रति घंटे के हिसाब से घट रहा है। नेपाल सरकार ने कहा अगर जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं करेगी बड़े विस्फोट। कोसी में आने वाले सैलाब को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। सुपौल में भी लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित जगह, कई लोग गांव छोड़ने को नहीं है तैयार। भागलपुर के नवगछिया में घुसा बाढ़ का पानी, प्रशासन ने किया अलर्ट। खगड़िया में बढ़ा कोसी का जलस्तर, तटबंध के भीतर रहने वाले लोगों का पलायन। बिहार के पूर्णिया पहुंचा वायुसेना का C-70 विमान, बाढ़ के खतरे को देखते हुए पहुंचाया गया राहत का सामान। मुंबई में भारी बारिश की आशंका, लोकल ट्रेन पर पड़ सकता है असर। पूरे के मालिन में जमीन धसने से मरने वालों की संख्या 134 हुई, राहत बचाव का काम अब भी जारी। भुवनेश्वर में भारी बारिश से बने बाढ़ के हालात, घरों में घुसा पानी। सीसेट को लेकर राज्यसभा में आज फिर हंगामा हुआ, विपक्ष ने सीसेट को हटाने को लेकर किया हंगामा।